हेलो फ्रेंड्स, आपका एक नए वीडियो में स्वागत है। आज मैं आपको वाराणसी फ्लूड का अपडेट देने वाला हूं। जैसा कि मैं देखिए अभी वरुणा नदी में हूं कि गंगा माँ गंगा का जो अपडेट है वो मैंने दिया था। और भी वीडियो देखिए फ्लूड को रिलेटेड आता रहेगा क्योंकि बाढ़ का वीडियो का बहुत ज़्यादा डिमांड है। लोग बार बार अपडेट पूछ रहे हैं काशी के लिए, क्योंकि काशी बहुत लोगों को आना है, तो इसलिए मैं अपडेट देना चाहता हूँ कि अभी ना आए क्योंकि पानी पूरा भरा हुआ है। और देखिए यही वरुणा नदी है, इसके बगल में देखिए जितना है सब हाईटेक होटल्स है, जो कि होटल वगैरह जितना है उसमें तो पानी नहीं गया होगा, लेकिन ये देखिए जो जो घर बना हुआ है इन सब घरों में देखिए पानी घुस चुका है, जो कि ये लोग पलायन भी कर चुके होंगे। और देखिए नीचे पूरा ये दिख रहा होगा पाथवे, जो मतलब ट्रैक है वो भी देखिए पूरा डूबा हुआ है, वो आपको दिखेगा नहीं। और देखिए यही फ्लूड का अपडेट है, क्योंकि बनारस आने से अभी बचे, बनारस का जितना नाले का पानी है सब इसी में बहता है। देखिए पूरा का पूरा डूबा हुआ है, देखिए आपको दिख रहा होगा, ये देखिए नीचे आपको दिख रहा होगा, ये पूरा का पूरा ये डूब चुका है। अभी मैं आपको वरुणा नदी के उस पार का भी नज़ारा दिखाऊंगा, क्योंकि उस साइड का भी पूरा डूबा हुआ है। यही है देखिए वाराणसी बाढ़ का ये सब अपडेट, क्योंकि बनारस में जगह जगह बहुत जगह पानी लगा हुआ है। पानी देखिए स्थिर तो हुआ है, लेकिन पानी उसी तरीके से भरा हुआ है, ज़्यादा कम नहीं हुआ है। और देखिए वरुणा नदी का ये नज़ारा, ये देखिए पुल पर से मैं आपको दिखा रहा हूँ वरुणा। अभी मैं उस साइड का भी नज़ारा दिखाऊंगा आपको, आप बस वीडियो में बने रहिएगा। और देखिए जो लोग हैं ये सब ऊपर आके बसे हुए हैं, बहुत सारे लोग ऊपर भी रह रहे हैं क्योंकि ये झुग्गी बस्तियाँ हैं नीचे। और देख घर तो इसमें बीच बीच में बन गया है, लेकिन अलाउ नहीं था, लेकिन पता नहीं कैसे लोग घर बना लेते हैं नदी के आसपास, क्योंकि वरुणा नदी के मतलब अगल बगल भी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस मतलब देकर ही अलाउ है, क्योंकि ये सब बाढ़ प्रभावित क्षेत्र पहले से ही है, लेकिन तब भी लोग इसमें घर बना कर रह रहे हैं बनारस के नाते। और आपको बताना चाहते हैं कि फ़िलहाल अगर बनारस आप आना चाहते हैं तो आप कैंसिल कर दें, जब भी 15-20 दिन बाद का ही प्लान बनाएं, क्योंकि जैसे जैसे बारिश होगा वैसे वैसे और ज़्यादा दिक्कत होगा। देखिए सब डूबा हुआ है, आपको सब चीज़ दिखा रहा हूँ मैं, पूरा का पूरा देखिए पानी से डूबा हुआ है। चलिए अब मैं उस पार उस साइड का नज़ारा दिखाता हूँ। देखिए ये वरुणा नदी के नीचे का नज़ारा है, पूरा का पूरा देखिए पेड़ जम चुका है, क्योंकि पानी बहुत भयंकर तरीके से लगा हुआ है। और ये सब पेड़ भी बहुत ही मतलब तत्काल में ही कुछ दिन पहले ही लगा जमा है, और कुछ तो पेड़ बह कर भी इसमें आया है। और देखिए वरुणा नदी का नज़ारा, बहुत ही भयंकर फ्लूड आया है, जैसे हर साल आता है, ऐसा नहीं कि कोई नया चीज़ है ये, लेकिन सब कुछ देखिए डूब चुका है। देखिए पूरा बाउंड्री तक पूरा पानी छेका हुआ है, बहुत सारे घरों में पानी समझ लीजिए घुस चुका है, कई हज़ार लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। लेकिन घर भी ऐसे जगह नहीं बनाना चाहिए जहाँ बाढ़ आए, क्योंकि ये सब तो प्राकृतिक देने, ये सब हमेशा से आता है। देखिए पूरा का पूरा डूब चुका है। और ये बहुत ही प्रसिद्ध पुल है वरुणा पुल, ये वरुणा नदी है, और इसमें जितना नाला है सब पानी है, गंगा जी में जा ही नहीं रहा है, क्योंकि गंगा जी का खुद पानी का लेवल बढ़ा हुआ है इसलिए। और देखिए बहुत तेज़ी से इसमें पानी आ रहा है सब, और भी नाले का पानी इसी में इकट्ठा होकर रह जा रहा है, बहुत बदबू भी करेगा क्योंकि पूरा का पूरा नाले का ही पानी है। चलिए अभी उस साइड का भी आपको नज़ारा दिखाएंगे, इसमें आप बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यही सब देखिए है जो कि बाढ़ में आता है, तो जो बाढ़ में ये सब पूरा का पूरा डूब जाता है, ये जितना कॉलोनी है इसके अगल बगल वरुणा नदी के सब में पानी समझ लीजिए घुस चुका है, बस जो बहुत ऊंचा होगा बस वही बचा होगा, नहीं तो बाकी सारा का सारा डूब चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब उस साइड का भी आपको नज़ारा दिखाते हैं, वरुणा नदी के चारों तरफ का आपको नज़ारा मैं दिखाऊंगा, आप बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और देखिए यही ऊपर जाने का रास्ता है, बहुत अच्छा बन गया है ये वरुणा नदी में, बहुत ज़्यादा ये ट्रैक एक था घूमने खेलने के लिए,
लेकिन फिलहाल तो बंद है अभी। चलिए उस साइड का आपको नज़ारा दिखाते हैं। और देखिए वरुणा नदी का ये मंदिर है, यहाँ पे मंदिर भी बना हुआ है। यहाँ पे बहुत सारा मतलब प्रोग्राम भी बहुत हमेशा होता रहता है। और देखिए पूरा प्रोग्राम स्थल डूब चुका है। अभी देखिए यहाँ पे भी पानी पूरा लगा हुआ है, समझ सकते हैं कि ये पूरा नीचे तक पानी रहता है और ये पूरा ऊपर तक आ चुका है। और देखिए ऊपर कुछ लोग हैं, बाकी ऊपर से कोई मतलब नहीं है, ऊपर तक पानी एकदम ऊपर नहीं जाता है। बाय द वे कभी कभी ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा होता है तब, लेकिन फिलहाल में आप देख सकते हैं पानी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। यही आपको अपडेट देना था, क्योंकि वरुणा नदी का भी अपडेट देना ज़रूरी है, क्योंकि गंगा जी के साथ साथ इसका अपडेट देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस शहर के बीचों बीच ये नदी गया है। नदी क्या, एक तरीके से नाला नदी दोनों कहिए, क्योंकि इसमें नाले का ही पानी ज़्यादातर बहता है। और देखिए पूरा का पूरा डूबा हुआ है। आपको यही चीज़ दिखाना था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि ऐसा वीडियो मैं हमेशा बनाता रहता हूँ। देखिए पुल पर से आपको उस साइड का भी वीडियो मैंने दिखाया, इस साइड का भी, इस साइड मतलब तीन चार साइड का आपको पूरा दिखा दिया कि इस हिसाब से डूबा हुआ है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।